नमस्कार सभी को। जैसा कि आप सभी लोग KVS TGT PGT के रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, मैं फ़ाइनल रिज़ल्ट की बात कर रहा हूं उन पोस्ट से रिलेटेड जिनके इंटरव्यूज़ कंडक्ट हो चुके हैं। PRT के रिज़ल्ट की अगर बात करें तो उस पर अभी डिसीज़न आना है, उसके बाद ही रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा। TGT PGT के रिज़ल्ट पे बहुत सारे कोर्ट केसेस थे और काफ़ी हद तक KVS ने उन हर्डल्स को सॉल्व कर लिया है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ही पता चला कि SST में, इंग्लिश में TGT कोर्ट केसेस हैं, अदर सब्जेक्ट्स में भी हैं, बट उनको सॉल्व कर लिया है ऑलमोस्ट KVS ने। और इसके बाद जो सबसे बड़ी एक लोगों का कहना था कि ट्रांसफ़र ऑर्डर सभी आएंगे, फिर LDC की पोस्टिंग होगी, देन रिज़ल्ट आएगा, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम रिज़ल्ट के में ये न तो ही आपके ट्रांसफ़र ऑर्डर्स थे और न ही LDC की पोस्टिंग थी। रिज़ल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, मैं ज्वाइनिंग लेटर की बात नहीं कर रहा, मैं रिज़ल्ट की बात कर रहा हूँ। रिज़ल्ट में ये दोनों ही बिल्कुल ही हर्डल नहीं थी, हर्डल कोर्ट केसेस थे और कोर्ट केसेस को भी सॉल्व कर लिया गया है जहाँ तक मुझे जानकारी अभी मिली है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। लेकिन फिर भी जिन लोगों का मानना है कि हाँ ट्रांसफ़र्स और LDC की पोस्टिंग को लेकर के, तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि ट्रांसफ़र ऑर्डर्स भी सबके आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं, मेरे पास ये PDF है। 31 को ट्रांसफ़र ऑर्डर की ये PDF आई थी, हालांकि ये डेट तो 31 पड़ी है बट ये परसों डाली गई थी, 3 को ये PDF आई थी जिसमें ट्रांसफ़र ऑर्डर सभी के दिए हुए हैं, किसका कहाँ ट्रांसफ़र हुआ है सारा इसमें, ये कंसोलिडेटेड लिस्ट है, जो भी वर्किंग है उनको तो मिल ही चुकी होगी, जो रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं तो उनके लिए भी है ये, कि बहुत सारे पेजेस हैं इसमें, तो ये ट्रांसफ़र ऑर्डर्स भी आ चुके हैं। अब इसमें ज़रा देख लेते हैं कि ये जो ट्रांसफ़र ऑर्डर्स आए हैं ये कब तक को इनको ज्वाइन करना है। जैसे कि लिखा है इसमें, KVS की स्थानांतरण नीति 2023 के पार्ट A1A के पैरा 2 सेकंड AA के अंतर्गत स्टेशनों में निर्धारित कार्यकाल पूर्ण करने के उपरांत अथवा DEPMD GLTR के अंतर्गत आने वाले मामलों में उपलब्ध रिक्त पदों पर कर्मचारियों का स्थानांतरण करने का प्रावधान है। तदनुसार निम्नलिखित कर्मचारियों का स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर किया जाता है। निम्नलिखित कर्मचारी KV संख्या के नियमानुसार स्थानांतरण, KV संगठन के नियमानुसार स्थानांतरण संबंधी लाभ के हकदार होंगे बशर्ते उन्होंने निर्धारित कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो। तो ये जैसे उनका दिया हुआ है, अब जैसे कि ये स्टेनोग्राफर का है, अदिति धीमान है इनका, तो ये पहले RO तिनसुकिया में थी, अब RO चंडीगढ़ में इनका ट्रांसफ़र हुआ है। तो इस तरीके से सबके जो है आपके आ चुके हैं और इसमें इनको 3-4 दिन का टाइम मिलता है ज्वाइन करने का, ये ज्वाइन कर सकते हैं जा कर के। तो ये सभी का जैसे हिंदी ट्रांसलेटर है, फिर इसके बाद TGT आर्ट एजुकेशन की है ये, तो ऐसे ही बहुत सारे हैं, सारे सब्जेक्ट्स के हैं। LDCE के रिगार्डिंग भी एक नोटिफिकेशन आपका आया है जिसमें ये बोला गया है कि जब तक मान लो इस ट्रांसफ़र लिस्ट में ऐसे कैंडिडेट का भी नाम है जो जिसने LDCE भी दिया है, मतलब इस ट्रांसफ़र लिस्ट में ऐसे किसी कैंडिडेट का नाम है जिसने क्या दिया है, LDCE भी दिया है, तो इनका कहने का मतलब है उसको तब तक रिलीव नहीं किया जाएगा, ठीक है, जब तक उसकी नेक्स्ट पोस्टिंग नहीं आ जाती है, नेक्स्ट ऑर्डर नहीं आता है। तो ये चीज़ें हैं, मैं वो भी PDF आप लोगों को दिखाई दे रहा हूँ कि जो PDF आई हुई है, जैसे ये आपका PRT का है, ये सारे इसमें TGT PGT स्टेनोग्राफर सब कुछ है इसमें ट्रांसफ़र सभी के,
ये एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें है रिलीविंग ऑफ एम्प्लॉयज़ हु हैव बीन सिलेक्टेड फॉर प्रमोशन थ्रू LDC 2022। इसमें लिखा है महोदय महोदया, उपरोक्त विषयांतर्गत एवं संदर्भित पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा 2022 में अर्हता प्राप्त चयनित हो चुके शैक्षिक कर्मचारियों को केंद्रीय विद्यालय संगठन के वार्षिक स्थानांतरण 2023 के दौरान स्थानांतरित होने की स्थिति में उन्हें उनके वर्तमान विद्यालय से कार्यमुक्त नहीं किया जाना है जब तक कि इस संबंध में अगला पदस्थापना आदेश जारी न किया जाए। मतलब ऐसे कैंडिडेट जिनका प्रमोशन हो चुका, जो प्रमोशन वाले लिस्ट में है LDCA के थ्रू, और उन्होंने भी ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया था और उनका ट्रांसफ़र वाले लिस्ट में नाम है, तो उनको रिलीव नहीं किया जाएगा जब तक डिस्प्लेसमेंट ऑर्डर नहीं आएगा। किसका? LDCE का। तो LDCE का भी जल्द ही पोस्टिंग आने वाली है। इसके बाद बात करेंगे हम कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो रिज़ल्ट है, जल्द ही रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि जो कोर्ट केसेस की मुझे जो जानकारी मिली है, कोर्ट केसेस हैं लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया गया है, कुछ एक आध बची हैं, उन एक आध को भी जल्द से शॉर्ट आउट करके रिज़ल्ट क्लियर कर दिया जाएगा। तो जल्द ही मैं होप करता हूँ कि रिज़ल्ट इसी मंथ आ जाएगा। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन होगी मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। बने रहिए मेरे साथ।